तो ये आईफोन 14 प्रो मैक्स है, आईफोन 14। तो अपन इसके लेयर को अलग करेंगे और देखेंगे, क्योंकि नॉर्मल तो देखो आप लेयर को अलग कर ही लोगे, है ना, हीटिंग से, प्री हीटर से। तो ये तो सारे वीडियो तो हमने डाले हैं और आपने किए भी होंगे, बट अपन विदाउट प्री हीटर करेंगे और देखते हैं कि विदाउट प्री हीटर में ये बहुत अच्छी तरीके से निकलता है कि नहीं। हालांकि मैंने सारे विदाउट प्री हीटर आपको बताए हैं, पर हर सीरीज एक विदाउट प्री हीटर से करके आपको दिखाना है, ठीक है। तो ये आईफोन 14 अभी अपन देखते हैं कि इसको अपन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, जो ऊपर के आपके नैंड के ऊपर आपको जो दिख रहा है कवर, आप वो कवर को अलग कर सकते हो। आ जाओ, ठीक है। ठीक है, तो पहले अपन इसको अलग कर लेते हैं। आप इस तरीके से 11 नंबर का ब्लेड डाल के इसको अलग कर सकते हैं, हीट से भी कर सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। और ये लेयर हटाते समय नहीं भी करें तो कोई दिक्कत नहीं, अपने आप ही वो गर्म हो जाएगी, तो आप उसको तभी भी कर सकते हैं। ये सारे टेप मार्केट में मिलते भी हैं, आप इसको कस्टमर को वापस लगा के भी देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए पीछे ये जो टेप है, आप इसको भी निकाल सकते हैं इस तरीके से, 11 नंबर के एक नए ब्लेड लेके। इस तरीके से ये इस तरह से आप पूरा निकाल सकते हैं। तो ये इसमें VJ315 लगी है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये इसकी VJ315 है और यहाँ इसका बैटरी कनेक्टर है, ये और यहाँ इसका पावर की है। चलो और आप इसको भी निकाल सकते हो, ये देखिए तो अब ये जो ऊपर के टेप लगे हुए हैं कनेक्टर के ऊपर के टेप आपको सारे निकालने हैं, ये देखिए ये एक बार में निकल आते हैं अगर आप 11 नंबर का ब्लेड यूज़ करना है। ठीक है, चलो अब हमारा इतना पोर्शन हमारा हम इसको निकालेंगे प्री हीट विदाउट प्री हीटर। यहाँ आप देख सकते हो, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जब भी आप किसी डैमेज फ़ोन को आप देख रहे हो तो आप उसको एक बार साइड में करके आई टेस्टिंग ज़रूर कर लेना। ये देखो इस तरीके से कि आपका जो लेयर है कहीं से टूटा तो नहीं है या लेयर उठा तो नहीं है, यहाँ पर आपको लेयर डैमेज मिल सकते हैं और ये ज़्यादातर गिरने की वजह से होता है। जिस टाइम पे हम पे फिर बोर्ड स्वैप करना पड़ता है क्योंकि लेयर डैमेज हो जाते हैं तो ये फिर बोर्ड ही स्वैप होता है। देखो सीधी लेयर है यहाँ पर, ठीक है।
तो ये वाला हम यूज़ नहीं करेंगे, जो स्टैंड है हम दूसरा यूज़ करेंगे। ये वाला स्टैंड हम यूज़ करेंगे। इस तरीके से, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लेना है क्योंकि वो लेयर आपकी दबनी नहीं चाहिए। अब आपको जो प्री हीटर, आपको जो SMD है वो आप 861 यूज़ कर सकते हैं, या जो भी आपके पास SMD है, और आपको उस SMD का नोज़ल ही निकाल लेना है। और नोज़ल निकालने के बाद आपको 360 और 70 पर रखना है, 370 एयर हीट रखनी है, 370 हीट और 360 आपका एयर, आप 370 पे भी रख सकते हैं। तो मैं पहले कैमरा को सेट कर देता हूँ। अब आपको इसके ऊपर आपको हीट देनी है, 14 देना है सिम साइड छोड़ के, और 20 राउंड चलाने हैं। 20 राउंड के बाद आप उसमें फ्लैक्स डालिएगा लेयर के गैप में, जो लेयर का गैप है वहाँ पे आपको फ्लैक्स डालना है। और आपको 11 नंबर की ब्लेड यूज़ करनी है। और आपको गोल गोल घुमाना है जैसे जलेबी बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। मैं कैमरा साइड में कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। करीबन 60 सेकंड तो करना है आपको, 60 सेकंड तक कोई हरकत नहीं करनी, मेल्ट होने दो। हल्का सा टच आपको बीच में आपका 11 नंबर का ब्लेड घुसाना है, और ये देखने के लिए कि क्या पोजीशन है, अभी गैप मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है आपको। देखिए मेरे को गैप मिलने लगा है,
तो सक्सेसफुली डन, आप देख सकते हो। अभी मैं आपको माइक्रोस्कोप में दिखाता हूँ इसको। आप देखिए तो बिल्कुल परफेक्ट निकला है, आप सारे पॉइंट देख सकते हैं। ये पॉइंट्स बिल्कुल एनसी होते हैं, ये यूज़ नहीं होते। ये देखिए, ये दिख रहा है ना आपको, ये काफ़ी अच्छी ट्रक है प्री हीटर के बिना। ये देखिए A16 CPU, पावर आईसी के पास देखिए कोई भी आपको बॉल छर्रे दिखाई नहीं देंगे। तो ये सबसे बेस्ट ट्रिक है और आई होप कि आप इसको अच्छे से परफॉर्म कर लेंगे। ठीक है, अब मैं इसका पावर की करके भी दिखाता हूँ सेकेंड स्टेप में। ये पार्ट टू रहेगा इसी का।